हाय फ्रेंड्स, प्रगति दिस साइड मेरे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स में आपका स्वागत है। आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ 6 मार्क्स जो एग्जाम्स में 5 to 6 टाइम्स आ चुकी हैं। बेसिकली जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना, वो या तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में से आते हैं या एनसीईआरटी क्वेश्चन में से आते हैं, बट जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स है ये स्पेसिफिकली एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स या एनसीईआरटी एक्सरसाइज में से आते हैं या सिमिलर टू दैट क्वेश्चंस, और उसमें से भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, आ कोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, आ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, आ सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। आपको किसी की वॉल्यूम मैक्सिमाइज करनी है, किसी का एरिया मैक्सिमाइज करना है, तो आज हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 6 टाइम्स एग्जाम्स में आ चुका है। शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन, वॉल्यूम किसकी, कॉन की। लार्जेस्ट यहाँ पे किसको स्टैंड कर रहा है कि आपको वॉल्यूम ऑफ द कॉन को मैक्सिमाइज करना है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, और कॉन किसके अंदर है, स्फीयर के अंदर है। ऑफ रेडियस आर, और स्फीयर की रेडियस आपको गिवन है आर, और आपको एक और चीज शो करनी है कि वॉल्यूम ऑफ द कॉन कितना है, 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मींस आपको क्या शो करना है, टू शो वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम एंड सेकेंड चीज क्या शो करनी है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मतलब क्या होना चाहिए, 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³। ये दो चीजें आपको शो करनी है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ड्रॉ फिगर। मैंने स्फीयर लिया है, उसके अंदर मुझे क्या ड्रॉ करना है, कोन। एबीसी मेरा कोन है, ठीक है। आप देखिए, आर सर्कल की रेडियस गिवन है, तो मींस ये क्या हो जाएगा, आर। और अगर मैं ओ सेंटर लेती हूं तो ये भी क्या हो जाएगा, आर। मैंने सपोज कर लिया ओ डी, ये लेंथ मैंने एक्स सपोज कर ली। लेट ओडी बी एक्स यूनिट्स, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसके। सो इन ट्राइंगल बी ओ डी पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है। इन ट्राइंगल बी ओ डी क्या होगा, कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। So, यहां से बीडी आ जाएगी। बीडी क्या है, यहां पे नथिंग बट रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन। तो यहां से आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बीडी स्क्वायर, आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πr² इक्वल्स टू 1/3 π। कोन की रेडियस क्या है, बीडी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, बीडी स्क्वायर। हाइट क्या है कोन की, एडी, सो एडी। अब इनकी वैल्यूज डाल दो, 1/3 π, बीडी में बीडी स्क्वायर कितना निकाला है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और एडी, एडी क्या है मेरा, ये आर है ये एक्स है, तो आर प्लस एक्स, ठीक है। सो v इक्वल्स टू 1/3 πr² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स। ये मेरी वॉल्यूम आ गई कोन की। देखो r तो फिक्स्ड है, हमें गिवन है कि r रेडियस ऑफ सर्कल है, ये फिक्स्ड है, वेरिएबल नहीं है। तो हमारी जो ये इक्वेशन है ये वन वेरिएबल में आ गई। अब हमें क्या निकालना है, v डैश x, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x।
मेरा बी डैश एक्स आ गया 1/3 पाई इंटू माइनस 3x प्लस आर इंटू एक्स प्लस आर, ये आ गया। थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, डेरिवेटिव इक्वल्स टू जीरो रख के एक्स की वैल्यू निकालनी है। सो बी डैश एक्स को जीरो रखो, दिस इंप्लाइज 1/3 पाई माइनस 3x प्लस आर इंटू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू जीरो। यहां से हमारा x क्या आ गया, आर बाय थ्री एंड x क्या आ गया माइनस आर। देखो x इक्वल्स टू माइनस आर लेते हैं इस केस पे, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहां पे x इक्वल्स टू माइनस आर हो जाएगा, ये r है ये माइनस आर, तो ये कैंसिल होके जो कोण है वो जीरो ही बन गया, दैट इज नथिंग। हमें तो कोण r प्लस x चाहिए, अगर ये माइनस आर हो जाएगा तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, जीरो, मीन्स कोण है ही नहीं, है ना। सो दिस इज नॉट द केस, तो x इक्वल्स टू आर बाय थ्री हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं और उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखते हैं कि जो ये पॉइंट है ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। तो अब हम क्या करेंगे, b डबल डैश x निकालेंगे। वन बाय थ्री पाए माइनस सिक्स एक्स माइनस टू आर, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, x की जगह r बाय थ्री पुट करना है। b डबल डैश r बाय थ्री इक्वल्स टू 1/3 पाए माइनस सिक्स इंटू आर बाय थ्री माइनस टू आर, तो ये क्या बन गया, माइनस फोर बाय थ्री पाए आर। जो ये वैल्यू है ये नेगेटिव है, दिस इज लेस देन जीरो। v डबल डैश r बाय थ्री इज लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या है, x इक्वल्स टू r बाय थ्री इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। दिस इंप्लाइज वॉल्यूम इज मैक्सिमम और लार्जेस्ट, यू कैन से लार्जेस्ट, वॉल्यूम किसकी, कोन की, वॉल्यूम ऑफ कोन इज लार्जेस्ट व्हेन एक्स इक्वल्स टू आर बाय थ्री, ठीक है। वॉल्यूम मैक्सिमाइज करनी थी वो हमने कर दी, अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम इक्वल्स टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्रूव करना है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। दिस इंप्लाइज हमें क्या प्रूव करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 8/27 इन टू, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें ये प्रूव करना है, अब देखो जो हमने वॉल्यूम निकाली थी वो कितनी आई थी, 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी आर बाय थ्री, वो वैल्यू उसमें पुट कर दो। सो ये तो हमारा है वी एक्स, वॉल्यूम ऑफ कोन है ये, कोन की वॉल्यूम। सो एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है, आर बाय थ्री, तो ये क्या बन गया, 1/3 आर एज इट इज, एक्स की जगह आर बाय थ्री, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर बाय नाइन इंटू आर प्लस एक्स की जगह आर बाय थ्री। ये हमारा आ गया 8r² / 9 इंटू 4r/3 इक्वल्स टू 8, इसको मल्टीप्लाई करो 27 पाई आर स्क्वायर इंटू 4r³। सो 8 इंटू 27, इसको बाहर ये क्या बन गया, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हमें पता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ये 5 times एग्जाम्स में आ चुका है, ये सिर्फ देखने में टिपिकल है, सॉल्व करने में फर्स्ट जैसा ही है, सिंपल। शो दैट वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर, ग्रेटेस्ट सिलेंडर मीन्स आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमाइज करने है, मीन्स डबल डेरिवेटिव जो एक्स पॉइंट निकालेंगे उस पर लेस देन जीरो आना चाहिए। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ कोन, और सिलेंडर किसके अंदर है, कोन के अंदर है।
ये मैंने कोन लिया है और ये मेरा सिलेंडर है, ए डैश बी डैश डी सी मेरा सिलेंडर है और वी ए बी मेरा कोन है. हाइट ऑफ कोन गिवन है एच, मीन्स वी ओ मेरा एच हो गया. और सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है अल्फा, सेमी मीन्स हाफ, तो ये जो एंगल हो गया ये मेरा अल्फा हो गया. आपको क्या शो करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 4/27 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा है, ये आपको शो करना है. प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर h/3 है. मीन्स आपको तीन चीजें प्रूव करनी है. फर्स्ट आपको करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमाइज, सेकेंड शो करना है हाइट ऑफ सिलेंडर h/3 है, थर्ड आपको शो करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 4/27 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा है. ठीक है, आप देखिए अगर मुझे वी ओ एच गिवन है यहाँ पे, अगर मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी है मीन्स ओ ओ डैश निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, वहां पे मुझे आर भी चाहिए और हाइट भी चाहिए. तो मैंने सपोज किया है एक्स जो है रेडियस है सिलेंडर का, लेट एक्स बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये मैंने कंसिडर कर लिया, सपोज कर लिया. अब मुझे निकालना है हाइट ऑफ सिलेंडर ओ ओ डैश, ये निकालना है. आप देखो यहां पे ये 90 डिग्री है, अगर मैं वी ओ डैश ए डैश ट्राइंगल लेती हूं राइट एंगल्ड है, तो यहां से मैं मेरे को अगर टेन अल्फा निकालना है, टेन अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया ए डैश ओ डैश और बेस क्या हो गया वी ओ डैश. रेडियस हमें पता है सिलेंडर की एक्स है, हमने सपोज की है, तो ये क्या हो गई एक्स, तो मैं लिख सकती हूं एक्स बाय वी ओ डैश. ठीक है, दिस इंप्लाइज वी ओ डैश मेरा क्या हो गया एक्स टेन अल्फा. ठीक है, ये मुझे पता लग गया वी ओ डैश मेरा आ गया एक्स टेन अल्फा और ये कंप्लीट मुझे पता है एच है, तो मैं ओ ओ डैश निकाल सकती हूं. सो मेरा ओ ओ डैश क्या होगा वी ओ माइनस वी ओ डैश, मीन्स इस कंप्लीट में से अगर मैं ये पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा. सो वी ओ कितना गिवन है मुझे एच, वी ओ डैश हमने निकाला है एक्स टेन, सॉरी दिस इज एक्स बाय टेन अल्फा, सो यहां से ये बन जाएगा एक्स कोट अल्फा. सो वी ओ डैश क्या आ गया एक्स कोट अल्फा. ठीक है, अब मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगा सकती हूं पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आर एक्स सपोज किया है और एच हाइट जो है ओ डैश ओ ये मैंने निकाल ली एच माइनस एक्स कोट अल्फा. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होती है इक्वल्स टू पाई, आर क्या लिया है मैंने एक्स स्क्वायर और एच क्या है एच माइनस एक्स कोट अल्फा. ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये मेरा आ जाएगा 2 पाई एक्स एच माइनस 3 पाई एक्स स्क्वायर कोट अल्फा. अल्फा यहां पे गिवन है कांस्टेंट है, तो मैं पाई एक्स कॉमन ले लेती हूं, 2h माइनस 3 एक्स कोट अल्फा आ गया. अब मुझे क्या करना है वी डैश एक्स को इक्वल्स टू 0 पुट करना है, मींस पाई एक्स 2h माइनस 3x कोट अल्फा इक्वल्स टू 0. यहां से क्या आ गया पाई एक्स इक्वल्स टू 0, 2h माइनस 3x कोट अल्फा इक्वल्स टू 0. यहां से x इक्वल्स टू 0, इसको सिंप्लीफाई करो 3x कोट अल्फा इक्वल्स टू 2h, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 2/3 h बाय कोट अल्फा. तो इसको कैसे लिख सकती हूं 2/3 h कोट अल्फा पर जाके क्या बन जाएगा 10 अल्फा. ये मेरी वैल्यू आ गई x की. अब देखो अगर मैं x इक्वल्स टू 0 लेती हूं तो यहां पे इसका मतलब क्या हो जाएगा जो रेडियस है सिलेंडर की वो 0 है, वो पॉसिबल ही नहीं है, रेडियस 0 हो ही नहीं सकती. रेडियस 0 हो गया तो दोनों ओवरलैप कर जाएंगे एंड सिलेंडर बचेगा ही नहीं. ठीक है, सो दिस इज नॉट द केस. x इक्वल्स टू 2/3 एच 10 अल्फा हम लेंगे, x इक्वल्स टू 2/3 एच 10 अल्फा हम कंसिडर करेंगे. अब हम क्या निकालेंगे वी डबल डैश एक्स, वी डबल डैश एक्स 2 पाई एच हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 पाई एक्स कोट अल्फा. ठीक है, हमें किस पॉइंट पे चेक करना है 2/3 एच 10 अल्फा. सो वी डबल डैश
2 by 3h tan alpha. क्या हो जाएगा 2 pi h, ये तो कांस्टेंट है, माइनस 6 pi, और x की जगह क्या रखना है 2 by 3h tan alpha into cot alpha given है, equals to 2 pi h minus 6 pi into 2 by 3h tan alpha into cot alpha. cot alpha क्या होता है 1 by tan alpha, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, so into 1 बचा, इसको सिंपलीफाई कर लो, ये क्या आ जाएगा माइनस 2 पाई एच वी डबल डैश 2 बाय 3 एच टेन अल्फा की वैल्यू मेरी क्या आ गई माइनस 2 पाई एच जो मेरा लेस देन जीरो है. मींस दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू 2 बाय 3 एच टेन अल्फा इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. दिस इंप्लाइज volume of cylinder is maximum when x equals to 2 by 3 h tan alpha. ठीक है, means first thing हमने prove कर दी volume of cylinder maximum है इस point पे. अब हमें क्या निकालना है height of cylinder. height of cylinder क्या है o o dash, ये मेरी height है, ये निकालनी है. VO माइनस VO डैश कर दूंगी तो मेरी हाइट आ जाएगी. VO कितना गिवन है H, VO डैश हमने निकाला था X cot alpha, तो H माइनस X cot alpha. आप इसमें X की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, X की क्या वैल्यू थी 2 by 3 H tan alpha equals to H माइनस 2 by 3 H tan alpha cot alpha as it is. tan alpha into cot alpha कैंसिल हो गया, 1 आ गया, equals to H माइनस 2 by 3 H, तो ये क्या हो गया h by 3. means height of the cylinder is h by 3, hence proved. ये क्या है हमारी height of cylinder, ये भी हमारा proof हो गया. अब हमें third क्या proof करना है, volume of cylinder is 4 by 27 pi h cube tan square alpha, ये proof करना है. अब देखिए volume of cylinder क्या होती है pi r square h equals to pi r, मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है radius क्या ली है x, so x square h. height cylinder की क्या ली है vo minus vo dash means h minus x cot alpha, ये height ली है, ये already मैं बता चुकी हूँ starting में. अब जहाँ जहाँ x है x की जगह मुझे 2 by 3 h tan alpha put करना है. तो सिंप्लीफिकेशन के बाद भी आ गया 4 by 27 पाई एच क्यूब टेन स्क्वेयर अल्फा, यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड. इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करो, क्या गिवन है वो लिखो, क्या हमें प्रूव करना है वो लिखो. सब क्वेश्चंस में स्टेप सेम है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो इक्वल्स टू जीरो पुट करके एक्स की वैल्यूज निकाल लो, डबल डेरिवेटिव में उस एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो कहां मैक्सिमम है कहां मिनिमम है, एंड इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स डिस्कस करेंगे. अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स है तो यू कैन सेंड मी ऑन माय फेसबुक पेज दैट इज @simplifiedmaths1, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज देन डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सो दैट इट मे हेल्प मेनी नीडी वंस. वी सपोर्ट फ्री एजुकेशन, डू यू?